हवा में बातें नहीं करता हूं कि जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और सोने में लिपट कर नोटों में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगों से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आज के शहीदी दिवस पर। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंसान के अंदर बुराइयां रहती हैं, लेकिन इंसान को अपनी बुराइयों को दूर करना है, उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है, वो मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ। और वो बोलते हैं सिद्धू जी के, जो कि मेरे आदर्शवादी हैं और हमेशा से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, कि उनकी सिर्फ ये लाइनें थी कि सोने में सुगंध नहीं, सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर आपके अंदर बुराई है तो आप उस बुराई को दूर करो। आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप सोचते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो वाकई में आप नहीं कर सकते हैं। और इंसान की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो दूसरों की राय मान लेता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। हमें एक बार कोशिश करना चाहिए, आगे आना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ हूँ, ये बच्चे आज आके यहाँ स्टेज में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो सिर्फ वजह यह है कि उनके अंदर आत्मविश्वास है। हमें भी अपने अंदर आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि हम खाली बैठे रहे, सिर्फ देखते रहे, तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश ऐसे वीर सपूतों से भरा पड़ा हुआ है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण इस देश के लिए निछावर कर दिए। एक बार जोरदार तालियां बजाऊंगा उन शहीदों के लिए, उन शहीदों के परिवार के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए काफी कुछ किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई बोलता है कि इस देश का रक्षक कौन है, तो हम यही कह देते हैं कि इस देश का रक्षक सिर्फ एक फौजी है। लेकिन वो फौजी कौन है, क्या आप जानते हैं? आज मैं उस फौजी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको, कि वो फौजी जिस वक्त हम अपने घर पर आराम से मखमली बिस्तर पर मखमली चादर को ओढ़ कर तान कर सोते हैं, उस वक्त उस रात में वो फौजी सीमा पर ना तो उसका कोई बिस्तर होता है, क्योंकि धरती माँ ही उसका बिस्तर है और ये गगनचुंबी आसमान उसका उड़ना है। जिस वक्त हम अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होते हैं, उस वक्त हमारे देश का जवान सीमा पर तैनात होकर ये चाहता है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, हमारे देश के जितने भी लोग हैं खुशहाली से अपना जीवन बिताएं। और हम चाहते हैं कि हम केवल अपना समय अपने लिए देते हैं, अपनों के लिए देते हैं। और आज का इंसान इतना सीमित हो चुका है कि अपने घर के बगल में, अपने मोहल्ले में क्या हो रहा है शायद किसी को नहीं पता। कहते हैं ना कि आज का इंसान इतना व्यस्त हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज का इंसान व्यस्त नहीं है, आज का इंसान पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, जो ना किसी भी चीज़ को व्यवस्थित कर पाता है और ना अपने आप को समय दे पाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार और कहूँगा कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर पसंद आए तो ताइयों के माध्यम से आपका प्यार चाहूँगा कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं, और सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। और एक लाइन मैं जरूर बोलना चाहूँगा, तिरंगा मूवी तो सभी लोगों ने देखी होगी, क्योंकि देश की एक वो ऐसी मूवी थी जिसको हर घर में हर टेलीविजन पर देखा गया है। उसका एक बहुत ही उम्दा सा डायलॉग है, वो मैं शहीद जी के लिए बोलना चाहूँगा, और पसंद आए तो तालियों के माध्यम से स्वागत करिएगा। जानी ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ये राजकुमार है राजकुमार, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, अब बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जानी हम आपको ये बताने आए हैं कि 15 अगस्त और 12 अगस्त हम वर्षों लगातार मनाते रहेंगे, और जब तक हमारा जीवन है हम देश के लिए मरते मिटते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।